अगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक कंजक्शन चल रहा था और एक छोटी सी कोटेशन के साथ अपन स्टार्ट करते हैं कि पढ़ना कभी बंद न करें क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। यह दूसरों से ज्यादा नॉलेज है और यही नॉलेज जो है हमें इस भीड़ से अलग करेगा सिलेक्शन के लिए। तो इसलिए पढ़ना बंद नहीं करें, कंटिन्यू आपका जो स्टडी जो है इसे जारी रखें, कंटिन्यू रखें इसे। तो कंजक्शन की अपन बात कर रहे थे। अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसका हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आया ही है, देखिए बात हम करेंगे सिंस की। बात किसकी करेंगे अपन? सिंस की बात करेंगे। और यदि सिंस की बात करें तो देखिए सिंस एक प्रेपोजिशन का काम भी करता है, एक कंजक्शन का काम भी करता है और एक एडवर्ब का काम भी करता है। सिंस जो है, सिंस एक प्रेपोजिशन भी है, सिंस एक कंजक्शन भी है और सिंस एक एडवर्ब भी है। क्लियर? सिंस कंजक्शन भी है, सिंस प्रेपोजिशन भी है और सिंस आपका एक एडवर्ब भी है। अब देखें सबसे पहले अपन बात करें इसके कंजक्शन को लेकर कि ये जब कंजक्शन है तो क्या है। अब जब सिंस का यूज एक कंजक्शन के रूप में किया जाए, सिंस का यूज आप किस रूप में कर रहे हो? एक कंजक्शन के रूप में कर रहे हो, तो ध्यान रखना कि सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट, क्लियर? यानी कि सिंस से पहले हैज हैव का यूज किया होगा, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और सिंस के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल टेंस का यूज होगा। किसका यूज होगा? पास्ट सिंपल टेंस का यूज होगा। देखिए ये किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट देके, सिंस देके आपसे आगे टेंस पूछ सकते हैं, जो सेकंड ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन दो बार पूछा गया है, ठीक है? या फिर पास्ट सेंट, इधर पास्ट सिंपल देके प्रेजेंट परफेक्ट देके आपसे कंजक्शन पूछ सकते हैं। क्लियर? अब देखें कि यदि अपन ये कहें कि मैनी प्लेसेस हैव टेकन मैनी चेंजेस डैश I left Jaipur। क्लियर? अब यदि यहां अपन बात करें तो देखिए have taken यानी कि has have plus verb की थर्ड फॉर्म और इधर past tense verb की सेकेंड फॉर्म दी गई है। यदि आपकी ये स्ट्रक्चर है तो आपका जो कंजक्शन यूज होगा वो आप यूज क्या करोगे? सिंस का। देखें कि यदि दूसरे प्रकार से इस क्वेश्चन को वो पूछे तो इस प्रकार से भी अपने को दे सकता है ये वर्ब को लेकर क्वेश्चन जो है। देखें इसी को अपन दोबारा रिपीट करते हैं, मैनी प्लेसेस हैव टेकन मैनी चेंजेस सिंस I dash Jaipur, since I dash Jaipur। और यहां आपसे verb की अपन बात करें कि हमारे पास ऑप्शन में leave भी दे रखा है, left भी दे रखा है और हमें lifted भी verb यहां दी हुई है और तीसरा आपको वो आपको दे दे lived, इस प्रकार से चार ऑप्शन दे दे। क्लियर है? तो ध्यान रखना कि यदि आपके पास सिंस है और सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है तो सिंस के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो यहां जो आप भरोगे क्या भरोगे? आप लेफ्ट का यूज करोगे, सिंस आई लेफ्ट जयपुर। क्लियर? कि यदि हमारे पास सिंस एक कंजक्शन का काम कर रहा है तो सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंस के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इस सेंस सिंस को लेके कि सिंस यदि एक एडवर्ब का काम करता है,
किसका काम करे, एडवर्ब का काम करे। और जब सिंस एडवर्ब का काम करेगा तो ध्यान रखना कि आप सिंस के साथ एवर सिंस का यूज भी कर सकते हो, सिंस भी लिख सकते हो अकेला और एवर सिंस भी लिख सकते हो। इसका मतलब होता है तब से, क्या मीन होगा, तब से, ठीक है। और कहां यूज करोगे, पहली बात ये एंड ऑफ द सेंटेंस यूज होता है, एंड ऑफ द सेंटेंस। जब आप सिंस का यूज एक एडवर्ब के रूप में कर रहे हो, तब से के सेंस में की कर रहे हो, तो ये इसका यूज जो होगा वो एंड ऑफ सेंटेंस होगा, पहली बात। दूसरी बात, इसका यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका यूज होगा, क्लियर है। सिंस यदि एडवर्ब का काम कर रहा है तो सिंस का यूज जो है वो सेंटेंस के लास्ट में होगा, एंड ऑफ द सेंटेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। वहां आप सिंस का यूज भी कर सकते हो और वहां आप एवर सिंस का यूज भी कर सकते हो, और इसका मतलब होता है तब से, तब से, है ना, या आप इसको कह सकते हो तब से लेकर आज तक, तब से लेकर आज तक, कुछ भी लिख सकते हो आप इसे। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमसे कोई चीज मांगता है, हम उसे मना कर देते हैं, हमारे पास है, और साथ वाला कहता है कि आपने उसको मना कर दिया, क्या जी इससे मेरा काम पड़ा था, उसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, मेरे आज भी याद है, मुझे आज भी याद है, आज भी याद है। आप ऐसा भी कह सकते हो, आज भी के सेंस में भी आप यूज क्या कर, इसका यूज कर सकते हो, तब से लेकर अब तक आज भी याद है, यूज किसका करोगे, सिंस या एवर सिंस का। यूज कहां करोगे, एंड ऑफ द सेंटेंस करोगे। टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ये एडवर्ब है सिंस। अब देखिएगा, जैसे आई सॉ हर 5 years ago, I saw her five years ago and have remembered। चाहे तो आप ever since लिख दीजिएगा और चाहे आप लिख दीजिएगा अकेला since, कि मैंने उसे आज से 5 साल पहले देखा। कितने साल पहले, 5 साल, क्लियर क्लियर है। मैंने उसे आज से 5 साल पहले देखा और तब से लेकर आज तक वो मुझे याद है, या तब से वो मुझे याद है, या वो मुझे आज भी याद है, क्लियर है। अब यहां एक चीज और आप देख लीजिएगा कि यहां मैंने एडवर्ब यूज किया एगो, अगो नहीं है इसका, आप इसका फोनेटिक सिंबल देखोगे तो फोनेटिक सिंबल इसका ये रहेगा एगो, ठीक है। इस रिवर्स सिक्स के ऊपर, इस अ के ऊपर कभी भी स्ट्रेस नहीं होता, ये अनस्ट्रेस्ड रहता है, ये क्या रहता है, अनस्ट्रेस्ड, अगो नहीं बोलोगे, प्रोनंसिएशन क्या रहेगा, एगो, एगो, ठीक है, अनस्ट्रेस्ड रहेगा। तो यहां एगो का यूज मैंने किया गया पहले के सेंस में, बिफोर के सेंस में मैंने यूज किया है, है ना। तो ध्यान रखें कि बिफोर का मतलब भी पहले होता है और एगो का मतलब भी पहले होता है। ये एक फिक्स टाइम होता है, क्या होता है, फिक्स, और इसके अंदर वो टाइम आपका फिक्स जो होगा नहीं होगा, नॉट फिक्स्ड कह सकते हैं, सर्टन टाइम नहीं होगा। देखिए 5 साल पहले मैंने इसे पहले देखा, पहले टाइम नहीं दिया, बिफोर, मैंने इसे 5 साल पहले देखा, एगो, क्लियर। दूसरी बात ये है कि बिफोर का यूज हमेशा मेन वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले, और एगो जो होता है ये आता है एंड ऑफ सेंटेंस। कहां आता है ये एंड ऑफ सेंटेंस आता है, ये पास्ट सिंपल टेंस की एडवर्ब है, किसकी है, पास्ट सिंपल टेंस की। और बिफोर की बात करें तो बिफोर पास्ट सिंपल टेंस में भी यूज होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, कि बिफोर पास्ट सिंपल टेंस में भी यूज होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज होता है। बट एगो का यूज सिर्फ और सिर्फ आप पास्ट सिंपल टेंस में करते हो, कब, जब आपका टाइम निश्चित दिया है, फिक्स्ड टाइम दिया हुआ है, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 1 दिन पहले, 1 घंटा पहले, आप यूज किसका करोगे, एगो का। मैंने इसे पहले देखा,
मैंने इसे पहले देखा, तो क्या लिखोगे? आई बिफोर सा हर। यहां बिफोर जो है ये मेन वर्ब से आपका क्या रहेगा? पहले रहेगा। कहां आएगा? मेन वर्ब से पहले। और इसी को आप लिख देते 5 साल पहले या 10 साल पहले, तो फिर हम इसे क्या लिखते? आई सा हर 2 डेज। अब यहां आप एगो कर दोगे क्योंकि यहां आपने फिक्स्ड टाइम दिया है। क्या टाइम दिया है? फिक्स्ड टाइम दिया, तो एगो का यूज कर दीजिएगा। फिक्स नहीं है, बिफोर आएगा। बिफोर कहां आएगा? मेन वर्ब से पहले आएगा। किसकी एडवर्ब है बिफोर? प्रेजेंट पास्ट की, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट की है और पास्ट सिंपल की है। और एगो ओनली फॉर ओनली, जो एगो जो है ये पास्ट सिंपल टेंस में यूज होता है। दोबारा फिर रिपीट कर दूं कि सिंस का यूज जब एक एडवर्ब के रूप में करते हो, सिंस का यूज जब हम किसके रूप में करते हैं? एक एडवर्ब के रूप में करते हैं, तो सिंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका यूज होता है, यानी कि हैज और हैव के साथ। और ये कहां रहता है? एंड ऑफ सेंटेंस। आई होप कि ये दोनों बातें आपके समझ में आई होगी। सिंस कंजक्शन के रूप में, सिंस एक एडवर्ब के रूप में। अब हम बात करते हैं कि सिंस एक प्रेपोजिशन के रूप में कहां यूज होता है। अब देखिएगा, आप देखिए प्रेपोजिशन के रूप में, जब प्रेपोजिशन के रूप में हम इसकी बात करते हैं सिंस की, तो हमें पता है कि ये परफेक्ट टेंस के अंदर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और परफेक्ट टेंस के अंदर, और जब आप टाइम को शो करते हो, किसको शो करते हो? टाइम को शो करते हो, और उस टाइम को शो करने के लिए हम यूज किसका करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। वहां सिंस एक प्रेपोजिशन है, जैसे आपने लिखा आई हैव बीन रीडिंग ए बुक since morning। अब morning क्या है? Point of time है, तो आप लिख सकते हो कि since एक preposition है और जिसका use किसके लिए किया जाता है? Point of time के लिए किया जाता है। क्लियर? ये था अपना सिंस, एक प्रेपोजिशन के रूप में, एक कंजक्शन के रूप में और एक एडवर्ब के रूप में। नेक्स्ट देखिएगा, आप देखिएगा हम बात करते हैं इफ की, कंडीशनल सेंटेंस की, कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस। और यदि अपन इस कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करें, तो हमें पता होना चाहिए कि ये इफ से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, अनलेस से, शुड से, और If है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अनलेस है, शुड है और हैड, इनसे स्टार्ट होते हैं ये कंडीशनल सेंटेंसेस। किससे स्टार्ट होते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस if से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, अनलेस से, शुड से और हैड से स्टार्ट होते हैं। अब देखें कि देखिएगा कि आप यदि सेंटेंस if से स्टार्ट कर रहे हो, थोड़ा सा इनका अर्थ समझना क्या है। If से आप स्टार्ट कर रहे हो, इट मींस आप सामने वाले के सामने कोई कंडीशन रख रहे हो, कंडीशन रख रहे हो कि यदि आप ऐसा करोगे तो आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि हम दुकानदार के पास गए और आपने कुछ सामान लिया, सामान आपने 500 का लिया, क्लियर, आपके पास पैसे नहीं है, आपने पहले भी उसके पैसे देने हैं, वो कहेगा कि पैसे है तो ले जाओ वरना जाओ। इट मींस उसने कंडीशन दी है 500 है तो सामान ले जाओ, अदरवाइज जाओ, है तो ले जाओ। इट मींस ये इफ कंडीशन है, समझ में आएगी बात? कंडीशन है, इफ कंडीशन, आप ऐसा करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा या आपको ये मिलेगा, ये इफ है। और इफ वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, ध्यान देना कि यदि आपका सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है, इफ से स्टार्ट हो रहा है, तो इफ वाले सेंटेंस में आपका विल भी आ सकता है, आपका वुड भी आ सकता है, आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। दूसरी तरफ की अपन बात करें, सॉरी अपन इसको यूं लिखें कि इफ से यदि आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो इफ वाली क्लॉज आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या इसके साथ एस या ईएस
या आप वर्ब की सेकंड फॉर्म या आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और दूसरी तरफ की अपन बात करें तो मोस्टली क्या होता है, इधर अपन विल का यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म है तो अपन वुड का यूज करते हैं, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस के अंदर डिटेल करेंगे अपन, लेकिन यहां जो मेन बात बताने जा रहा हूं वो ये ध्यान में रखना कि यदि आपका सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है तो आपका सेकंड सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ कॉमा से कनेक्टेड होगा। किससे कनेक्टेड होगा? कॉमा से। सेकंड ग्रेड के अंदर ध्यान देना ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ध्यान देना, ये सेकंड है कॉमा, ठीक है, ये तीनों इफ से स्टार्ट हो रहे हैं तो इधर कॉमा, कॉमा से ही कंजक्शन जो यूज होगा कॉमा, या फिर आप इस कॉमा को रिप्लेस करते हुए आप टी एच ई एन देन का यूज कर सकते हो, टी एच ई एन देन का यूज कर सकते हो। दोबारा फिर सुन लें, आपका सेंटेंस इफ से स्टार्ट है, आपका सेंटेंस इफ से स्टार्ट है तो सेकंड सेंटेंस आपका या तो कॉमा से कनेक्टेड होगा, किससे कनेक्टेड होगा? कॉमा से कनेक्टेड होगा, या फिर आप देन का यूज करोगे। पहली बात इसको अपन देखें कैसे, कि आपने लिखा इफ यू वर्क हार्ड कॉमा यू विल सक्सेस या यू विल पास द एग्जाम, यू विल पास द एग्जाम, यू विल पास द एग्जाम, या आप इस कॉमा के लिए अब यूज किसका कर सकते हो, इफ यू वर्क हार्ड देन टी एच ई एन देन यू विल पास द एग्जाम। क्लियर है? यू विल पास द एग्जाम। ये बात ध्यान में रखना कि आपका सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है? इफ से स्टार्ट हो रहा है तो आप या तो कॉमा का यूज कीजिएगा या फिर आप किसका यूज कीजिएगा? देन का यूज कीजिएगा, इसके अलावा किसी अदर कंजक्शन का यूज नहीं होगा। अब देखिए यहां मैंने आपको यह बताया था कि यदि आपका सेंटेंस इफ से स्टार्ट हो रहा है आप कॉमा का यूज कर सकते हो, आप देन का यूज कर सकते हो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस तो यहां आप जो है कॉमा और एंड दोनों का यूज होगा, उस सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए कॉमा और एंड का दोनों का यूज होगा। अब यहां जो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले कंजक्शन जो होते हैं इसका मतलब होता है कि जरूरत आपको भी है और मुझे भी है, आप ऐसा करो आपके बदले में मैं आपको ये करूंगा, इसके बदले इसका आपको भी फायदा और मुझे भी है। क्लियर है? तो ये आपकी जो कंडीशन है ये कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है। टीचर का एग्जाम्पल ले लें अपन कि एक टीचर जो है वो किस क्लास के अंदर पढ़ा रहा है, तो देखिए टीचर का उसका रिजल्ट अच्छा है और उसकी यदि उस टीचर का रिजल्ट अच्छा है उसकी रेपुटेशन बनेगी, उसकी रेस्पेक्ट बनेगी, प्रत्येक बच्चा उसे पसंद करेगा, है ना, और दूसरा स्टूडेंट क्या हो जाएंगे, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। ये जो सेंटेंस है कि यदि आप पढ़ते हो तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, है ना, एक टीचर कह रहा है, इट मींस आप वहां यूज किसका कर सकते हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर सकते हो। क्लियर? उसके बाद में अभी मैं इनका इसका एग्जांपल देख लीजिएगा पहले, कि यदि इस सेंटेंस को अपन यूं लिख दें कि इफ यू गिव मी ब्लड, ब्लड कॉमा लगाएंगे, आई विल गिव यू फ्रीडम, आई विल गिव यू फ्रीडम। क्लियर? अब यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अपन बात कर रहे हैं कि यदि तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब यदि उन्होंने इस इफ सेंटेंस का यूज करते हुए बोला होता तो मतलब क्या था? मुझे आजादी की जरूरत नहीं है, आपको है तो खून दे जाओ और आजादी ले जाओ, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन जरूरत उनको भी उतनी थी और उतनी हमें थी, इसलिए यदि आप इस स्लोगन को जहां कहीं भी पढ़ोगे आपको क्या लिखा मिलेगा? गिव मी ब्लड कॉमा एंड आई
विल गिव यू फ्रीडम। ये बात ध्यान से देखना गौर से कि यदि आपका क्लॉज जो है कंडीशनल क्लॉज आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रही है तो सेकंड सेंटेंस आपका कोमा या एंड से कनेक्टेड होगा, कोमा या एंड से कनेक्टेड होगा, अकेली कोमा से नहीं होगा। क्लियर? अनलेस है, कंडीशनल सेंटेंस है, अनलेस का यूज करते हैं तो यह ध्यान में रखना कि अनलेस के बाद में अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज होता है। किसका यूज होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज होता है, अनलेस के बाद में नॉट का यूज हम नहीं करते। अब रही बात यहां शुड की, अब इस शुड को भी देख लीजिएगा कंडीशनल सेंटेंस में। अब यदि अपन शुड की बात करें, ठीक है, तो वैसे तो मॉडल के रूप में जब हम शुड की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है चाहिए, है ना, मॉरल ड्यूटी के लिए यूज करते हैं, किसी को सजेशन देने के लिए यूज करते हैं। लेकिन यदि शुड आपका एक कंजक्शन एक कंडीशनल सेंटेंस में यूज किया गया है तो इसका मतलब था संयोगवश, संयोगवश, है ना, बाय चांस। कहां यूज करते हैं इसका शुड का? फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, है ना, या किसी ऐसे जगह बैठे हो जहां आपकी अच्छी इज्जत है और आपका कोई फ्रेंड मार्केट जा रहा है और आपने उसके उसे कहा कि आप हॉस्पिटल से मुझे ये दवाई ला देना, वो आपको स्पष्ट मना कर देता है मेरे पास टाइम नहीं है या मैं वहां जाऊंगा नहीं। इट मींस आप इतने लोगों के बीच अपने आप को इंसल्टेड फील करोगे या नहीं करोगे, बेइज्जती खराब होगी कि नहीं होगी, है ना। जब आप इंसल्टेड फील करोगे देन आप अपने आप को बचाने के लिए, है ना, आप अपनी रिस्पेक्ट को बचाने के लिए आप एक शब्द यूज करते हो कि बाय चांस यदि वहां चले जाओ तो, वो आपको कह देगा हाँ ठीक है ला दूंगा, पता आपको भी अभी वो लाने वाला नहीं है, लेकिन खुद को बचाने के लिए आपने यूज किसका किया? बाय चांस का। तो कंडीशनल सेंटेंस में वही शुड है, कंडीशनल सेंटेंस में वही शुड है। जैसे आपने लिखा शुड यू मीट, ठीक है, शुड यू मीट राधा प्लीज टेल हर टू कॉल मी। अब इसका मतलब क्या कि बाय चांस संयोग वंश आपको यदि राधा मिल जाए तो कहना उसे कि वो मुझे कॉल करे। क्लियर? इट मींस जब उसने इस पर्सन को कहा होगा तो उसने मना किया होगा, फिर उसने अपने आप को बचाने के लिए यूज किसका किया है? शुड यू मीट राधा प्लीज टेल टू हर टू कॉल मी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि इफ से यदि आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो कोमा या देन से कनेक्टेड करोगे सेकंड सेंटेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है कोमा और एंड से स्टार्ट करोगे, आपका अनलेस से हो रहा है अकेली कोमा का यूज करोगे और शुड से हो रहा है तो अकेली कोमा का यूज करोगे। तो ये था कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर हम किन किन कंजक्शन का यूज करते हैं। करंट अफेयर के अंदर अपन बुक्स की बात करते हैं तो बुक्स मैं आपको बताऊं इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, बोस द अनटोल्ड स्टोरी, द बोस अनटोल्ड स्टोरी, ये जो लिखी है ये लिखी है चंद्रचूड़ घोष ने। ये चंद्रचूड़ घोष की जो बुक है द बोस अनटोल्ड स्टोरी। फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा सा ध्यान देना, जो फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए बुक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर सुभाष चंद्र बोस भी है। ये उनके ऊपर लिखी गई बुक है बोस द अनटोल्ड स्टोरी चंद्रचूड़ घोष। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।